दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज है डे 4 दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स का और आज जो इवेंट होने वाले हैं वो हैं बेसिकली लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो। तो ये इवेंट आज स्टार्ट होंगे और आज हम इनको कैप्चर करेंगे और बात करेंगे यहाँ के ऑफिशियल से और बच्चों से कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा इस इवेंट को लेकर। मैं विकास लाकड़ा एथलेटिक कोच हुंडेला स्टेडियम, ये रवि चौधरी एथलेटिक कोच बवाना स्टेडियम। अभी आपके सामने जो इवेंट हुआ है वो ट्रिपल जंप था अंडर 19 बॉयज, इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। फर्स्ट जो बच्चा रहा है वो 14.15 मीटर पे रहा है, रिकॉर्ड से थोड़ा सा ही पीछे है, रिकॉर्ड 14.38 सेंटीमीटर का था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में जो गैप था वो काफ़ी है। जो सेकंड बच्चा है वो 12.70 पे है। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ स्कॉलरशिप भी देती है और कुछ कैश इंसेंटिव भी देती है जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। ओके अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे जो इवन फोर्थ पोजीशन तक आए हैं वो आगे किसी गेम में क्वालिफाई भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा, इस बार क्या है SGFI और टूर्नामेंट अभी सस्पेंड नहीं है। अगर वो होते हैं, अगर यहाँ से SGFI नेशनल होते तो ये बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थे जाके आगे स्कूल नेशनल में पार्टिसिपेट करते, दिल्ली को रिप्रेजेंट करते वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर। माय सेल्फ यश, मैंने आज ट्रिपल जंप में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई है, बाकी ठीक ही रहा कॉम्पिटिशन, ज़्यादा वो नहीं हुआ था कुछ। ओके, मैं बेस्ट लगाने वाला था वो नहीं लग पाई, बाकी दलित सर है और मेरे कोच स्टेडियम में कराते हैं, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर है, हाई जंपर रह चुके हैं, ट्रिपल जंपर भी रह चुके हैं, लॉन्ग जंपर भी रह चुके हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट आपके साथ में कह सकते हैं। तो सर वेलकम टू द चैनल। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो इवेंट हुआ आपने दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, तो जो आफ्टर कोविड इस तरह के इवेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चों की तैयारी भी लगभग नहीं थी। तैयारी नहीं है बेसिक, कोविड के चक्कर में बच्चों की तैयारी नहीं है कुछ, वैसे कंपटीशन थोड़ा कम है। जब अगर कोविड नहीं होता तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता, तो उससे जंप बढ़ जाती है, उससे कंपटीशन लेवल करने का बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा सर, आप बताएंगे आप कहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, किस जगह पे? मैं नेहरू स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसमें शाम को वहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ और IIT दिल्ली कॉलेज के अंदर भी कोचिंग कराता हूँ। ओके सर, तो जैसे कोई बच्चा आपसे ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है सर? मैं शाम को नेहरू स्टेडियम में जाता हूँ, वहाँ पे मेरे से मिल सकता है आके, लॉन्ग जंप के बाद किसी मुझे सर का तो मैं वहाँ पे मिलता हूँ, वहाँ पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्योर सर, तो आप जो नई जनरेशन है बच्चों के उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा है तो करना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, जब पढ़ाई में भी जा रहे हो तो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। सर ये हमारे दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स एथलेटिक मीट हो रही है और ये हमारी डायरेक्टेड एजुकेशन स्पोर्ट्स ब्रांच और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इस इवेंट को करा रही है, और हमारे संजय कुमार अम्बस्ता DD स्पोर्ट्स जी, आशा अग्रवाल मैडम DD स्पोर्ट्स, नवीन दहिया जी, ललित कुमार जी, हमारे डायरेक्टर सर हिमांशु गुप्ता जी, सभी की देख रेख में ये दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा ये टाइम कोविड का जो चल रहा था तो ये खेल हमारे पीछे अभी पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अभी ये दोबारा पोस्टपोन्ड जब थोड़ा क्लियर हुआ एटमॉस्फेयर तो ये अभी डिसीजन लिया गया डायरेक्टर सर ने कि आप कराइए स्कूल गेम्स। तो ये हमारे तीन कैटेगरी में होते हैं, अंडर बॉय, छः कैटेगरी होती हैं, अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स।
और इन सभी इवेंट्स में हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे होते हैं उनको कैश प्राइज दिया जाता है। फर्स्ट प्लेस को 2100 रुपये दिया जाता है, सेकंड को 1500, थर्ड को 1100 रुपये। ऐसे ही हमारे जैसे ये एथलेटिक मीट है, ऐसे ही हमारे दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में और भी जो गेम्स हो रहे हैं सभी में इसी तरह कैश प्राइज बच्चों को मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बेस्ट एथलीट ट्रॉफी दी जाती है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो एक स्कॉलरशिप हमारी दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग खेल ब्रांच की तरफ से उन बच्चों को ईयरली एक स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जो बच्चा यहाँ फर्स्ट आ रहा है उसको 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ से। और एक दिल्ली गवर्नमेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, प्ले प्रोग्रेस एंड मिशन एक्सीलेंस। तो प्ले, ये जो दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स अभी हो रहे हैं इसमें जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी गेम्स में जो हमारे बच्चे जीते हैं, एथलीट्स जो आए हैं उनको एक ये दिल्ली सरकार स्कीम लेके आई है प्ले प्रोग्रेस में। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उन बच्चों को उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, उनके इक्विपमेंट, हर चीज़ के लिए दिल्ली सरकार उनको अंडर 14 अंडर 17 कैटेगरी में 3 लाख और 2 लाख रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। और वो एक हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी है, दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है जिसमें हमारे ओलंपियन और ये खिलाड़ी हैं दिल्ली, उस वो ये डिसाइड करती है कि कौन एथलीट्स जो हैं, कौन बच्चे जो हैं वो इस प्ले प्रोग्रेस और मिशन एक्सीलेंस में सेलेक्ट होंगे। तो ये खिलाड़ियों को, ये दिल्ली ऐसा पहला राज्य बन गया है जो खिलाड़ियों को इस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल पर दे रहा है, क्योंकि जीतने के बाद तो ओलंपिक लेवल पर सब कुछ मिलता है लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जहां बच्चों को नीड होती है तब कोई ऐसी स्कीम थी नहीं। तो खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और खिलाड़ी काफ़ी आगे जा रहे हैं और दिल्ली के लिए, देश के लिए पदक जीत रहे हैं। और आगे भी जो बच्चे होंगे वो मोटिवेट होंगे कि इस तरह की सुविधाएँ अगर हमें दिल्ली सरकार से मिलती हैं तो वो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो ये गेम हो रहे हैं ये पूरा टेक्निकल हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स जो हैं उन सब की देखरेख में, हमारे ऑफिसर्स की देखरेख में हो रहे हैं कि कोई बच्चों को कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। हमारे 29 जोन हैं, जो 29 जोन में पहले जोनल इवेंट होते हैं उनमें जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आते हैं वो इस इंटर जोनल दिल्ली स्टेट, पहले ये इंटर जोनल के नाम से होता था, अब इसका इस बार से इसका नाम चेंज कर दिया गया है दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स। और यहाँ उनको कोई भी तकलीफ ना हो, सब यहाँ मेडिकल की भी सुविधा है, कैट्स एम्बुलेंस यहाँ पर है, सभी टेक्निकल ऑफिशियल क्वालिफाइड हैं और बहुत ही स्मूथली ये गेम चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो बच्चे जीत रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं और इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन इस बार रहा है। और पहले दिन अगर ओपनिंग हुई है बहुत अच्छी ओपनिंग थी और एक माहौल स्पोर्ट्स का बना था, बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ड्यू टू कोविड 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद ये गेम हो रहे हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था और बहुत एक ये था कि हमें पार्टिसिपेट करना है जो उन्हें मिल नहीं पाया था। तो ये उन्हीं की देखरेख में, डायरेक्टर सर की देखरेख में ये सारे गेम हो रहे हैं। और हमारे संजय कुमार अम्बस्ता जी और जितने भी आशा अग्रवाल मैम, जितने भी हमारे यहाँ छत्रसाल स्टेडियम के ऑफिसर हैं उन सब जगह वो विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो और बहुत अच्छी प्रकार से ये गेम चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम इतनी डिटेल में सारी चीज़ बताने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थे डे फोर के इवेंट जहाँ पे बच्चों ने थ्रोइंग और ट्रिपल जंप के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आज जैसे हमारी मैडम से बात हुई थी, मैडम ने बताया कि इन बच्चों को किस तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेंगे और आगे आने वाले इवेंट्स में किस तरह से इनको फ़ायदा भी मिलेगा इस इवेंट में विनिंग होने के बाद। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कि इस तरह के इवेंट्स के लिए वो अच्छे से तैयारी करें और पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि इनमें अच्छी पोजीशन वो लेके आए, ताकि उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प मिले और आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने में भी काफ़ी मदद मिले। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे भी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स इंडिया 13 को। थैंक यू वेरी मच।